हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष सैनी, वेलकम टू द गुरुकुल हब। और आपका आज का टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन में 3D ज्योमेट्री फॉर्मूला। 3D इमेजेस क्या होती हैं, आप एक बार 3D इमेजेस देख लीजिए। 3D इमेजेस तीन कोऑर्डिनेट में रहती हैं, एक्स, ये वाई, ये जेड, ठीक है। 3D इमेजेस को आप एक तरह से ऐसा मान लीजिए जैसे आप एक कमरे में बैठे हों, एक हमारा कमरा, वो एक घन आपका काम करेगा। तो बस मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा फॉर्मूले पाऊंगा, क्योंकि टोटली ये सारी जो मेंसुरेशन है ये फॉर्मूले पे बेस है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लीजिए, इसलिए हम सीधे फॉर्मूले पे लेंगे। घनाभ, घनाभ को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब, और क्यूब एक एक हम टॉपिक लेते जाएंगे क्यूब का, और उसमें एक एक प्रश्न लेते जाएंगे। क्यूब घन, ठीक है। घन देख लीजिए कैसा होता है, घन आपने पासा देखा होगा लूडो में, जो पासा होता है वो एक तरह से घन ही होता है। इसकी सारी भुजाएं सेम होती हैं, ए ए मान लीजिए। तो इसका 2D में निकाल देते हम सरफेस एरिया, और 3D में जिसमें निकालेंगे वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ठीक है। वॉल्यूम देख लीजिए एक बार, इसका वॉल्यूम होता है इसका ए क्यूब। अगर ए हमें 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो 10 का हम घन कर सकते हैं, तो जो आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बस ज़्यादा ज़्यादा इस पर एक ये बनेगा, और इसका सरफेस एरिया एक बार और देख लीजिए, सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया 6a² अभी फिलहाल ये बेसिक चल रहा है, कुछ लोगों को ये बहुत अच्छे से आता होगा, कुछ को अभी ये स्टार्टिंग होएगी, तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको अगले लेसन में इसके ऊपर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हमारे टाइम वेस्ट हो रहा है, फिलहाल अभी बेसिक ही चल रहा है। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये घना घन हो गया, घन में सिर्फ यही दो फॉर्मूले होते हैं। और अब आगे देख लीजिए घनाभ, घनाभ को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड तुम्हारा एक तरह से कमरा ही होता है, जैसा कोई कमरा फला घर का जो कमरा होता है, घनाभ इसकी 6 भुजाएं होती हैं, और देख लीजिए, ठीक है, ये आपका घनाभ है। घनाभ का वॉल्यूम होता है length, लंबाई, गुणाई, ऊंचाई और चौड़ाई। लंबाई दे रखी है आपको 10, चौड़ाई दे रखी है 12, ऊंचाई दे रखी है 7 मान लीजिए, ठीक है। इन दोनों के तीनों की गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा 10 × 12 × h 840 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की पहचान ये होती है कि अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम भी दे रखा हो और आपसे एक हाइट पूछ ले, तो वॉल्यूम में हमेशा ये क्यूब, ये इसकी पहचान है। अगर आपको ये फर्क नहीं मिल पा रहा कि सरफेस एरिया दे रखा है या वॉल्यूम दे रखा है, तो सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि आप इसका ये देखिए यूनिट, ठीक है। कभी कभार आपसे ये भी पूछ लेगा वॉल्यूम दे रखा है, और वॉल्यूम में से आपको हाइट पूछ लेगा, और लेंथ और विड्थ आपको दे रखे होंगे। एक क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, वॉल्यूम दे रखा है आपको 500 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है, चौड़ाई जिसे कहते हैं 10 सेंटीमीटर, और आपसे हाइट पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे एक बार देख लीजिए। फिर एक फॉर्मूला लगाइए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रिथ इंटू हाइट। वॉल्यूम दे रखा आपका 500, ठीक, लेंथ 50,
चौड़ाई 10, और आपको h पूछ ले, जो h है ये ऐसे रहेगा, जो इसके साथ ये है ये हमेशा इसके नीचे ही जाता है, आप इसको h को x भी मान सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लीजिए, जैसा आपको समझ में आता हो। हाइट आ गई इसकी 1 सेंटीमीटर, इसमें कुछ ज्यादा नहीं होगा, बस यही ऐसा एक टॉपिक है जो आपको फॉर्मूले, सिर्फ फॉर्मूले ही सही आप अच्छे नंबर ले सकते हैं इस पे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने नहीं पड़ता, बस आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये तो हो गया घनाभ। अब आ गया कौन, कौन को कहते हैं शंकु। बर्थडे की आपने टोपी देखी होगी, जन्मदिन पे जो टोपी होती है वो बिल्कुल कौन की शेप होती है, इसे त्रिया ऊंचाई भी कह दे या स्लैंट हाइट भी कह दो, ये आपकी हाइट होती है, इसे रेडियस कह दीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले आपको इसका स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए, स्लैंट हाइट क्या होती है, स्लैंट हाइट आपने 10th में पाइथागोरस पढ़ा होगा, पाइथागोरस के हिसाब से ये देखिए, ये हाइपोटेन्यूस होती है, ये इसका बेस होता है और इसका परपेंडिकुलर होता है, तो बस इसमें बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाना है, या आप इसको आर मान लीजिए, इसको एच मान लीजिए, आप इसको एल मान लीजिए, तो पाइथागोरस लगा के एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। इस अगर आपको एच 10 सेंटीमीटर दे रखी है और आर 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका स्क्वायर कर इसका स्क्वायर है 100, इसका 225, ये हो गया आपका 325। का वर्ग जरूरत नहीं है फिलहाल, मैंने आपको समझाने के लिए करा है ऐसा, ठीक है। ये स्लैंट हाइट, अब इसका वॉल्यूम देख लीजिए आप, वॉल्यूम क्या होता है कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें स्लैंट हाइट की हमें जरूरत नहीं थी, सही है। आर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, एच 20 सेंटीमीटर, सीधा फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान आप 3.14 ले लीजिए या 22/7 ले लीजिए, एज योर चॉइस। वन बाई थ्री, 3.14 इंटू 120, ये आप काट के देख लीजिएगा। फिलहाल इसके बाद लेंगे इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल, ये पाई आर एल में एल की जरूरत पड़ेगी, आपको मैंने पहले भी बताया था एल कैसे निकालते हैं, एल होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इसमें से आप एल निकालकर इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिएगा, आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ये हो गया कौन आपका, ठीक है। और आपका गोला जिसे कहते हैं इंग्लिश में हेमिस्फेयर और सेमी हेमिस्फेयर, गोला दे लीजिए आप, गोला ठोस गोला होता है, ये सर्कल नहीं है आपका, सर्कल समझ लें ऐसा है, व्हाइट बोर्ड पे ये ऐसे ही बन सकता है, गोल आपने गेंद खेली हुई क्रिकेट की बॉल एक तरह से वो गोला ही है, और चूड़ी जो चूड़ी होती है पहनने वाली वो सर्कल का रूप है। इसका वॉल्यूम देख लीजिए एक बार, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, आर आप ले लीजिए 7 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, 7 का क्यूब, 1/7 से 1/7 कट गया, 4/3, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये तो मैं फॉर्मूले आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसका एक बार एरिया और देख लीजिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
फोर पाई आर स्क्वायर आर, इसमें एक बार ले लीजिए टेन ले लीजिए, फोर पाई आर स्क्वायर, इसमें हम सीधे वैल्यू रख लेंगे 3.14, ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अर्धगोले ले लीजिए, अर्धगोले का देखा आपने, कटोरी देखी है, कटोरी घर में जो इस्तेमाल होती है वह त्रिशा अर्धगोले का ही रूप होती है। अर्धगोले में खासियत ये होती है कि उसकी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर होती हैं। जब मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझाऊंगा इस पे कैसे इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई एक समान हो जाती है। अर्धगोले का पहले परिमाप देख लीजिए, अर्धगोले का परिमाप आपको किसी किसी किताबों में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको निकालने बताता हूं कैसे, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप जो मैं आपको बता रहा हूं बस उस पर कंसंट्रेट करेंगे तो आप अच्छा गेन कर लेंगे मार्क्स को, ज्यादा अगर इधर इधर जाएंगे तो परेशानी हो सकती है आपको, क्योंकि ये फिलहाल अभी बेसिक है, जिसकी नई शुरुआत होती है बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि उनके टेंथ में मेंसुरेशन होती नहीं है। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या और ये इसकी हाइट मान लीजिए। अब आप देखिए जो ऊंचाई इसके इस सर्कल के से टच हो रही है और ये भी इससे टच हो रही है, तो ये H R का रूप ले लेगी। अगर R 10 है तो H भी 10 होगी इसकी। अब इसका परिमाप देख लीजिए, सर्कल का परिमाप मतलब वृत्त का परिमाप कितना होता है। अब यहाँ हम देखेंगे हेमिस्फेयर कैसे होता है। हेमिस्फेयर आपने घर में इस्तेमाल करने वाली कटोरी देखेंगे आज, जो कटोरी बिल्कुल वो एक हेमिस्फेयर का ही रूप होती है। इस हेमिस्फेयर में जो इसकी त्रिज्या होती है वो इसकी ऊंचाई के बराबर होती है। वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है, वॉल्यूम स्फीयर हेमिस्फेयर सॉरी अर्धगोले का घन, ये होता है इसका 2/3 πr³। आप हमेशा ये ध्यान रखिए हेमिस्फेयर और सेमी हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर और स्फेयर में आप बहुत कंफ्यूजन होगा, उसके गोले में और अर्धगोले में उसका वॉल्यूम और उसके सरफेस एरिया में बहुत डाउट रहता है बच्चों को, बच्चे रटते ज्यादा हैं। जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होगा उसको 2/3 πr³ होगा, और इसका सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया हमेशा ये आप ये याद रखना 2πr² सरफेस एरिया, ये 2 यहां आ रहा है तो ये इसका हो गया 2πr³ 2πr². ठीक है, अब हम हेमिस्फेयर पर चलते, स्फेयर पर चलते हैं मतलब गोला, गोले में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, इसके लिए माफी चाहता हूं। स्फेयर फोर अपॉन थ्री वॉल्यूम πr³, जो उसका स्फेयर का सरफेस एरिया होता है, आप इसकी, मैं इसको आपको पहचान बता रहा हूँ, जो 4 ऊपर जो आ रहा है ये इसका सरफेस एरिया होता है 4πr², इसमें स्क्वायर आया था, क्यूब आया था, इसमें स्क्वायर आएगा, बस आपको ये ध्यान रखना। ठीक, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ आसान से प्रश्नों के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए, धन्यवाद।